सिक्योरिटी सिनेरियो की, क्योंकि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान जो सिविलियन कैजुअल्टियां हुई थी, उन कैजुअल्टियों में मुलव्वज़ जितने भी मिलिटेंट थे लगभग सारे मारे गए हैं। ज़रा से ये खबर सामने आ रही है, यानी शहरी हलाकतों में मुलव्वज़ मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया गया और 1.5 महीने के दौरान इस तरीके के सर्जिकल अटैक्स किए गए और स्ट्रेटजिकल अटैक्स किए गए कि मिलिटेंट किसी भी तरीके से निकल नहीं सके। ये ऑपरेशंस की एक डिटेल जो है वो सामने रखी गई है और माना जा रहा है कि जितने भी लोग पिछले 2 महीनों के दौरान सिविलियन कैजुअल्टीज के अंदर मुलविस थे वो सारे मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। और जो इदादुशुमार इस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ज़राया की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं उसमें सबसे पहली बात 24 नवंबर की कही जा रही है, जब मिलिटेंट मेहरान यासीन शाला, जिस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने स्कूल टीचरों को सफा कदल इलाके के अंदर और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पैदल पे हमले किए थे, उसको मारने की बात सामने रखी गई है और ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की। उसके बाद 20 अक्टूबर को मिलिटेंट आदिल वानी, जो कानपुर यूपी के कारपेंटर और उसके साथ साथ अनंतनाग के और कुछ और मामलों में वो मुलव्वज़ था और अनंतनाग के अंदर शिरमाल शुपियन ऑपरेशन के अंदर जो है वो मारा गया है। उसी रोज़ एक और मिलिटेंट गुलजार अहमद ऋषि, जिस पर बिहार के रहने वाले नौजवान का कत्ल का इल्ज़ाम था, उससे भी ऑपरेशन के अंदर, एक खुफिया ऑपरेशन के अंदर जो है वो मारा गया है। उसके बाद और भी कुछ बातें जो है वो सामने रखी गई है, तहम इंसाफ कर दिया गया कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जो हिकमत अमली तरतीब दी गई है, जो मैकेनिज्म तरतीब दिया गया, उसी का ये नतीजा है कि बैक टू बैक ऑपरेशन जो कराए गए हैं वो ऑपरेशन जो है वो कामयाब हुए हैं, उनमें सिक्योरिटी एजेंसीज को बड़ी कामयाबियां मिली हैं। अब इन कामयाबियों के पीछे 2 बड़ी बातें जो है वो कही जा रही है। एक, ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब कि एस्टैब्लिशमेंट को आम लोगों की तरफ से इतलात मौसूल हो रही थी, जिसके बाद ऑपरेशंस किए गए और ये नतीजा है कि टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर जो है वो मारे गए, नंबर एक। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेटजिकल मैनर में सारे ऑपरेशन चलाए गए, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, CRPF हो, उनके पास जब भी कोई इंटेलिजेंस इनपुट आया तो उसे आपस में शेयर किया गया और उस शेयर करने का नतीजा ये हुआ कि कामयाब ऑपरेशन जो है वो किए गए हैं। ये बात एस्टैब्लिशमेंट के ज़राए की तरफ से जो है वो सामने रखी जा रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा जम्मू कश्मीर की हो रही है तो जम्मू कश्मीर के उन लोगों की भी बात करें जो झारखंड के अंदर थे और गुज़श्ता दिनों उन पर कातिलाना हमले भी किए गए, जिसके बाद कश्मीरी ताजरों ने सरापा एहतजाज भी हुआ और पुलिस के सामने बाज़ाब्ता तौर पर झारखंड के अंदर उन्होंने तहरीरी शिकायत की है। अब वज़ीर आला झारखंड की खसूसी हिदायत पर पुलिस हरकत में आई है और पुलिस के मुताबिक उन नौजवानों की गिरफ्तारियां की गई हैं, 3 लोगों को डिटेन किया गया है जिन्होंने कश्मीरी शॉल फरोश ताजर पर हमला करके उसे ज़बरदस्ती नारेबाजी करवाने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ और अब झारखंड के वज़ीर आला ने इस बात का यकीन दिलाया है कि कानून सबके लिए एक है, चाहे वो किसी भी जमात और फर्द का आदमी हो, किसी भी सूबे का इलाके का आदमी हो, उसे हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और इस हमले में जो लोग मुलव्वज़ थे उनकी गिरफ्तारियां जो है वो कराई जाएंगी। इधर SSP सुरेंद्र कुमार झा जो है उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि केस जो है वो दर्ज कर दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तहम हतमी मामला जो है वो अब कोर्ट चला जाएगा। लेकिन फिलहाल मामला ये है कि झारखंड के अंदर जो मामला पेश आया था उसमें झारखंड की इंतजामिया मुतहरिक हुई, उन्होंने लोगों की गिरफ्तारी की है और झारखंड के वज़ीर आला का बयान सामने रखा गया है जिसमें यह साफ किया गया कि उनके इलाके के अंदर इस तरीके की कार्रवाई करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी।
चलिए, ये तो कश्मीरी ताजरों के हवाले से बात थी, गिरफ्तारियां हुई हैं और SSP रांची की तरफ से इसमें तफसीलात फराहम की गई हैं। मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं कंप्लेनेंट के बाद, जो कि वादी कश्मीर से ताल्लुक रखता था, लेकिन ऊनी के शॉल और बाकी जो कपड़े रांची के अंदर हर साल सीजन में जाकर काम करता था, फरोख करने का काम था, मगर इन सबके बीच में उसके साथ ही वाकया पेश आया और इसमें अब नोटिस लिया गया है, 3 गिरफ्तारियां हुई हैं।